पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लेंगे ये पूरा का पूरा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का है, और यहाँ से आप लोग देख लें ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा का पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखिएगा इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, खासकर यहाँ पर हम पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का विज्ञान का सेट डी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता ही है और आपने वीडियो भी देख लिए होंगे, सेट ए सेट बी और सेट सी मेरे द्वारा पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और अभी हम यहाँ पर सेट डी के सोल्यूशन को देख रहे हैं। और अगर आपने सेट ए सेट बी और सेट सी को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप सभी लोग उसके ऊपर टच करके वहाँ से आप लोग सभी सेटों को अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता है कि आल एमपी में चारों सेट पेपर पूछे जा रहे हैं, और अगर आप किसी भी जगह से देख रहे हो अगर चारों सेट पेपर को आप लोग लगा लेते हो तो आप ये समझिएगा भाई साहब कि एक भी क्वेश्चन यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आने वाला है, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको इसका सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा आज मैं यहां से, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर कैसा आया है और आप सबको इस पेपर का सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यह रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहां से इसे देख लें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ लें क्या लिखा है, द्रव्य धातु का नाम बताइए। तो देखिएगा द्रव्य धातु का नाम क्या होगा, पारा। सेकंड क्वेश्चन, विलय के बड़े अवयव को कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MgCl2 होगा, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो देखिएगा ये की थी जे.जे. थॉमसन ने, चौथे का उत्तर यह आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं माइटोकांड्रिया को। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोग देख लें, देखिएगा अभी तक हम इतने क्वेश्चंस देख चुके हैं, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं कि किस प्रकार से आपके आगे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग देख लें, पत्ती की सतह पर क्या पाया जाता है। तो देखिएगा यह इसका उत्तर यह आ जाएगा, पत्ती की सतह पर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था जो कि मैंने आपको बताया था। देखिएगा क्वेश्चन अगर आपने नोट नहीं किया हो तो चलिए दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन ये था कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिएगा रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पत्ती की सतह पर। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। यहाँ से आपको त्वरण लिख लेना है। आठवां क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी से किस कारण जुड़ा रहता है। तो देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये जुड़ा रहता है। यहाँ तक के क्वेश्चन आप सब लोग देख लें, उसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर दो जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है, अब देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर पे लिखा, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। प्रोटियम व ड्यूटेरियम, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा समस्थानिक से। फोम, इसकी जोड़ी का मिलान होगा सेविंग क्रीम से। कोशिका, इसकी जोड़ी का मिलान होगा रोबर्ट हुक से। दुग्ध की शुद्धता की जाँच इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा होती है। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होगा। और उसके बाद में खरपतवार, इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना आपको गाजर घास से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छी प्रकार से इनको समझ भी लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर तीन दिया जाएगा जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो यहाँ से आपको लिख लेना तरल होती है। सेकंड क्वेश्चन, विलयन एक मिश्रण होता है, कैसे मिश्रण होता है, समांगी। तो यहाँ से आपको समांगी लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिएगा इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.453 U, इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिएगा ये की थी जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनेक ऊतक एक का निर्माण करते हैं, तो देखिएगा शरीर के एक अंग का निर्माण करते हैं। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम पर आधारित है, किस पर नियम पर आधारित है? जड़त्व पर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप सब लोग देख लें इनको। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से देख लेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस तापमान पर ठोस पिघल का द्रव्य बन जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? जोसेफ प्रॉस्ट ने इसको प्रस्तुत किया था। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप सब लोग देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैं आप सबको क्वेश्चन में चार तक के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उन सभी के आंसर को समझते हैं, ताकि देखिएगा आप सबको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, नारियल का रेशा किस ऊतक का होता है? तो देखिएगा इसके ले रहे हैं ना, काइमा का होता है, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। किस वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसको कहते हैं शक्ति। उसके बाद में बांध के जलवाष्प में भरे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। सातवां क्वेश्चन, संकरण द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसको कहते हैं हाइब्रिड। क्या लिखना है यहाँ पर? हाइब्रिड। अब देखिएगा आपके जो आगे के क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लेंगे, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण बताइए। तो देखिएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण ये लिखे हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण ये है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण ये लिखे हैं। उसके बाद में सातवां, कोलाइट के दो गुणधर्म बताने हैं। तो देखिएगा कोलाइट के दो गुणधर्म कौन से होंगे? तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग कोलाइट के गुणधर्मों को देख लेंगे और समझ लेंगे कि कोलाइट में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया। तो देखिएगा कोलाइट का गुणधर्म ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कणों को सूक्ष्म से भी देखना पाना मुश्किल होता है, स्थिर रेखा छोड़ने पर कण अलग नहीं होते, इसको आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, केनाल किरणें क्या है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि केनाल किरणें क्या होती है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं, ताकि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से समझ सकें। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए, अभी हम इसको देखने वाले कि केनाल किरणें क्या होती है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसके उत्तर को देख लेंगे कि केनाल किरणें क्या होती है, पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखिएगा तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र ये आपको दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसे बनाना सीख लेंगे। उसके बाद में जाइलम के कार्य लिखने हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग जाइलम के कार्यों को लिख लें, ये जाइलम के कार्य ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग जाइलम के कार्यों को नोट कर लेंगे, पूरा का पूरा यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लें। उसके बाद में ग्यारहवा क्वेश्चन, अदिश राशि को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। ग्यारहवा क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, अदिश राशि को परिभाषित करके आपको उदाहरण लिखना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और अच्छी प्रकार से आप लोग समझ भी लेंगे इसको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। बारहवा क्वेश्चन, तो देखिएगा ये थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे इसको। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आप सबको बता दिए, अब इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखते जानते और समझते हैं, ताकि आप सभी लोग प्यार विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा, तेरहवा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए। तो देखिएगा न्यूटन की गति का तृतीय नियम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देख सकते हो न्यूटन की गति का तृतीय नियम दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और अच्छी प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घर्षण के लाभ बताइए। चौदहवा क्वेश्चन, तो देखिएगा घर्षण के क्या क्या लाभ है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। ये घर्षण के लाभ यहाँ पर आपको बताए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर ले अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, मुक्त पतन क्या है। पंद्रहवा क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर देखते हैं, मुक्त पतन क्या है, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसे देख ले और अच्छी प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
यहाँ तक के क्वेश्चन हमने देख लिए। अब इसके बाद में द्रव्यमान तथा भार में आपको दो अंतर बताने हैं, तो चलिएगा आप द्रव्यमान और भार में अंतर देख लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा द्रव्यमान और भार में अंतर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। वैसे आपसे दो अंतर पूछे गए तो दोनों को याद कर लें, और अगर आप लोग चाहते हो तो चारों याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद में लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो देखिएगा आप इसके उत्तर को देखते हैं कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लेंगे कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। पूरा का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर ले पूरा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताना है, 18वां क्वेश्चन। तो चलेगा इसके उत्तर को देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग देख लें। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये पूरा का पूरा लिखा है, आप लोग यहाँ से देखें और पूरी तरह से अच्छे से याद कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंचाई के तीन स्रोतों का वर्णन आपको करना है। तो देखिएगा सिंचाई के तीन स्रोत कौन कौन से हैं इसको देखना है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा ये सिंचाई के तीन स्रोत लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे इनको। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का आपको चित्र बनाना है। तो देखिएगा ये पादप कोशिका जंतु कोशिका का चित्र दिया गया है, यहाँ से आप लोग बनाना सीख लें, और इसके साथ साथ में आप चाहे तो यहाँ से पादप कोशिका का भी बनाना सीख लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आप सबको बता दिए, अब चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन हम सभी ने देख लिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब 20 के बाद में आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उनको देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 21वां क्वेश्चन लिखा है, चाल एवं वेग में आपको अंतर बताना है। तो चलिएगा आप जल्दी से हम चाल और वेग में अंतर देख लेते हैं कि चाल और वेग में कौन कौन से अंतर है और इन सभी को आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहीं कहीं पर वो अंतर था, पता नहीं किधर गया। चलिएगा देखते हैं कि किधर है चाल और वेग का अंतर। तो देखिएगा ए टू डेट क्वेश्चंस मैंने आप सबको यहाँ से बता दिए हैं, और अगर आपने सभी वीडियो के सभी प्रकार के वीडियो जो आपके सभी विषय के हैं उनको नहीं देखा हो तो आप लोग जरूर देख लें, और यहाँ से आप लोग चाल और वेग का अंतर पूरा का पूरा नोट कर लें पूरा ऐसे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किन्हीं चार कोशिकांगों के नाम आपको बताने हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किन्हीं चार कोशिकांगों के नाम कौन कौन से हैं, ताकि आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से याद कर सकें, या फिर आप लोग माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है ये जो पूछा गया है इसको आप लोग देख लें। तो चलिएगा इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं ताकि आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से समझ सके। तो देखिएगा माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा गया है, इसका उत्तर यहीं कहीं आपको मिल जाएगा। देखते हैं कि इसका उत्तर किधर गया, चलिए देखते हैं किधर गया, यहाँ तो नहीं है, अब ऊपर मिलेगा शायद इसको, चलिएगा देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेंगे। माइटोकांड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका के हिस्से में ऊर्जा पहुँचाना होता है, इस कारण माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को सभी के सभी क्वेश्चन भी बता दिए और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी आपको बता दिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।